साथ हो कुछ पुरानी यादें हैं उस शख्स की जिसका यूं चले जाना हर किसी की आंखों में आंसू दे गया। बड़ी बड़ी आंखों से सब पर जादू चलाने वाले इरफान खान, एक ऐसा नाम जिसने शुरुआत में जितना संघर्ष किया बाद में शोहरत और नाम भी उतना ही कमाया। बॉलीवुड से हॉलीवुड तक का सफर तय करने वाले इरफान खान को अपनी जिंदगी उस वक्त छोटी लगने लगी जब उन्हें अपनी बीमारी कैंसर के बारे में पता चला। अभी तो इरफान खान को बहुत दूर तक जाना था, इंडस्ट्री में और भी काम करना था, लेकिन कमबख्त इस बीमारी ने उन्हें तोड़कर रख दिया। फिर भी उन्होंने खुद को फिर से उठाया, संभाला, दुनिया को बताया कि बीमारी उनका क्या बिगाड़ पाएगी जब उनके इतने चाहने वाले उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, होने को कौन टाल सकता है। 29 अप्रैल 2020 का वो मनुष्य दिन आया जब ये उम्दा एक्टर सबकी आंखों में आंसू देकर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। आज इरफान खान की बर्थ एनिवर्सरी है और ऐसे में हम आपको बताएंगे एक्टर की वो बातें जिनके बारे में शायद आप ना जानते हो। इरफान खान ने 30 सालों तक अपनी एक्टिंग से इंडस्ट्री पर राज किया। बेहतरीन काम के लिए इरफान खान को पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। लेकिन कितनी अजीब बात है ना, जिस एक्टिंग की बदौलत इरफान खान ने फैंस के दिलों में खास जगह बनाई, वो दरअसल एक्टर बनना ही नहीं चाहते थे। इरफान खान एक्टर की बजाय क्रिकेटर बनना चाहते थे। एसी रिपेयरिंग का काम करने वाले इरफान खान को एक दिन अचानक से ये लगा कि वो इस काम के लिए बने ही नहीं हुए हैं। फिर उन्होंने दिल्ली आकर थिएटर ज्वाइन किया। थिएटर ज्वाइन करने के बाद फिल्मी दुनिया में आने के लिए उन्होंने काफी स्ट्रगल किया, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। कुछ टाइम के बाद इरफान खान को मीरा नायर की फिल्म सलाम बॉम्बे में काम करने का मौका मिला। ये रोल भले ही छोटा था, लेकिन इरफान के लिए बहुत बड़ी बात थी। इरफान खान का करियर चल पड़ा, उन्हें फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया। मकबूल फिल्म ने इरफान खान को पहचान दिलाई जिसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इरफान खान का पूरा नाम शहबजादे इरफान अली खान था और इतना लंबा नाम उन्हें कभी भी पसंद नहीं आया। हालांकि उन्होंने बाद में अंग्रेजी में इरफान में एक आर और जोड़ दिया। इरफान ने इसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि ये बताई कि उन्हें आर की जो आवाज थी वो बहुत पसंद थी। इरफान खान के नाम के पीछे खान लगने के चलते उन्हें 2 बार अमेरिका के एयरपोर्ट पर रोक लिया गया और कई देर तक पूछताछ के बाद उन्हें जाने दिया गया। स्लम डॉग मिलेनियर और लाइफ ऑफ अ पाई फिल्म ने कई ऑस्कर अवार्ड जीते। इन 2 फिल्मों में इरफान खान ने काम किया। भारत के वो पहले ऐसे एक्टर थे जिन्हें 2 ऑस्कर फिल्मों में काम करने का मौका मिला। इरफान खान एयर कंडीशनर एक्सपर्ट की ट्रेनिंग के बाद मुंबई आए थे और पहली बार जब वो सुपरस्टार राजेश खन्ना के घर पर गए थे तो उन्हें एसी सुधारने का ही काम मिला था। ये बातें बहुत कम लोगों को पता होंगी कि इरफान खान हॉलीवुड एक्ट्रेस नताली पोर्टमैन के साथ मीरा नायर की फिल्म कोशर वेजिटेरियन में काम कर चुके हैं। हो सकता है कि बड़े पर्दे पर ऑडियंस ने कभी भी इस चीज पर ध्यान ना दिया हो, लेकिन इरफान खान की गिनती बॉलीवुड के लंबे एक्टर्स में होती है। इरफान खान की हाइट 6 फुट से ज्यादा थी। ऑस्कर अवार्ड्स के दौरान एक बार हॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स ने खुद आगे आकर इरफान खान की फिल्म द नेम केस के लिए उनकी तारीफ की थी। लेट एक्टर इरफान खान सिर्फ एक्टिंग ही नहीं किया करते थे बल्कि उनका टायर्स का भी बिजनेस था। इरफान खान आज भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन वो फैंस और सिनेमा लवर्स के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे और जब भी सिनेमा की बात होगी तो उनका जिक्र जरूर होगा।